When you come to these places where people are living, you know, in the community and howsoever they are living, you want to make sure you don't make any nuisance, you don't disturb their peace. थकावट नहीं हो रही ना? ये सारा क्वारंटीन का जोश चढ़ा हुआ है, कोई एनर्जी यूज ही नहीं हुई, तो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड कर पाया. मैं वीडियो नहीं चाहता था कि ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करूँ उन लोगों की, तो ऑडियो मैंने थोड़े शॉर्ट्स डाल दिए शायद, या फिर कुछ और किया होगा. ठीक है ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद. आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं. लकड़ी आपको भिजवा दी बोलते. हेलो भैया, हैप्पी मिंजर. थैंक यू सर. बबलू जी हमें दिखाएंगे रास्ता. यस, कहाँ से? यहाँ से चढ़ना ऊपर? यहाँ से चढ़ेगा. ओके ओके, आप कहाँ से आ रहे हो? घर जा रहे हैं. आप घर जा रहे हैं? घर है. अच्छा ठीक है ठीक है. आवाज़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पर? काफ़ी ज़्यादा है ना. हम जितना डेंस जा रहे हैं ऊपर, ये आवाज़ उतनी इंटेंसीफाई होते हुए. मानसून है तो बहुत सारे कीड़े, क्रिकेट्स बहुत सारे हैं इधर, तो दे आर मेकिंग दिस नॉइस. हॉन्टेड जैसी जगह लग रही है. अगर पूरा शांत होता ना, बाई गॉड, और रात होती. ओ भाई खतरनाक यार. वी आर एंटरिंग द फॉरेस्ट नाउ, और बहुत आवाज़ आ रही है यहाँ पर. आई एम रियली सॉरी, बहुत ज़्यादा आवाज़ है यहाँ पर. अब यहाँ पर हमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है? Little break, or if you want to see what we are seeing right now, so it's this, some cows, a lot of fog, a lot of cricket sound, forest. हमने अभी जिनके साथ बात की, जो गांव वाले थे, उन्होंने बहुत ऐड किया स्टोरी में, बताया हम लोगों को कि क्या क्या हुआ था. सो बेसिकली जो पत्थर है जो हम देखने वाले हैं ऊपर, उसको फेंका था, मतलब जो चंबा जहाँ से हम आए हैं वहाँ से इतनी पहाड़ के ऊपर भीम ने. सो लाइक जहाँ पर हमारे चंबा में हेलीपैड है, सो उसके पास से कहीं फेंका था, क्योंकि रिवर साइड भी था वो. और इतना बड़ा पत्थर पहाड़ के टॉप पे होना, इट्स वेरी वेरी रेयर चांस कैसे हो कि आपको पत्थर मिल रहा है ऊपर. मेरे घर से पास है, सो आई एम रियली फॉर्चुनेट फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड मैन, आदित्य कुछ बोलना चाहोगे? अभी भी कुछ नहीं. कुछ भी नहीं. वो बहुत ज़्यादा थक गया है फर्स्ट ऑफ ऑल. मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ. ओके सही है. हम लोग काफ़ी देर से ऊपर चढ़ रहे हैं, टॉप ही नहीं आ रहा है. बट नाउ फाइनली पहुँचने वाले हैं, और स्काई भी क्लियर हो रहा है ऊपर. हाँ है ना. सो गाइस, फाइनली वी आर देयर, पहुँच चुके हैं यहाँ पर. ह्यूमंगस मैन, और जो मैं देख रहा हूँ आँखों से, आई डोंट नो कितना बिलीवेबल है कितना नहीं है, कुछ तो है यार. ओके सो लेट मी फ्लिप द कैमरा.
सो गाइज दैट्स द स्टोन, और वो जो आप कर्व देख रहे हैं ना, ऐसा कर्व है ऐसा. ओह मैन दिस इज सो सो डैम कूल. कुछ गांव वाले हैं यहाँ पर, मैंने स्टोरी बताई आपको. तो दिस इज़ एक्चुअली द प्रिंट ऑफ द भीम्स, या भीम ऑफ द महाभारत, उसकी बैक का प्रिंट है क्योंकि इसने अपने पीठ पे पत्थर उठाया था. सो वी ऑन द टॉप, पत्थर के ऊपर बैठे हैं हम लोग और नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं. काफ़ी अच्छा, बहुत पीसफुल व्यू है यहाँ से. धूप भी आ गई. कुछ बोलने के लिए नहीं है मेरे पास इस वक्त, क्योंकि बहुत शांत जगह है और बहुत मज़ा आ रहा है. और ये कैमरा रियल ब्यूटी नहीं रिवील कर सकता. एग्जैक्टली, ये चीज़ कैमरा में कैप्चर हो ही नहीं सकती. तो हमारे साथ कौन है, आपका नाम क्या? मेरा नाम राजकुमार. राजकुमार, आपका नाम? केवल कृष्ण. केवल कृष्ण. तो आप लोग यहाँ पर रहते हैं, आपका घर यहाँ पर है? हाँ, यही लोकल है, साथ में गाँव है. ओके, साथ में गाँव है. तो बताइए इस जगह के बारे में कुछ. हमें ये माता कर्ण घोड़ी के नाम से जानी जाती है. ओके. यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं. हाँ, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट, ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट से लगभग. हाँ हाँ. तो इसके बारे में मान्यता है कि इस ये जो ये पूरी चट्टान है, इसको भीम जी ने उठा के लाया हुआ है. ओके. अगर ये मतलब बोला ये चट्टान अगर वहाँ पहुँच जाती तो शायद वो शीतला ब्रिज का निर्माण होना था इससे ना. ओ ये है इसका मतलब. अच्छा, सुनने में आया हुआ मिथ्स है एक. मिथ्स है. हाँ, तो इसके बारे में ये सुना है. यहाँ इसके नीचे आप देखेंगे तो वो सांचे लगे हुए इसके ना, मतलब कोनी के, कोनी की कोनी लगी हुई है नीचे. नीचे देखना. अच्छा, नीचे जाएंगे हम लोग अभी. हाँ, ओके. तो इसकी ये मान्यता है, और मतलब इसकी यहाँ पर जो भी आप मुराद मांगेंगे वो मतलब पूरी हो. अच्छा. आज आज ज़्यादा भीड़ है, इसी ज़्यादा नवरात्रों में से नवरात्रों में. अच्छा, इससे ज़्यादा होती है. बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए. थैंक यू सो मच. सो गाइस, यहाँ के लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता है, मुझे नहीं पता है. सो थैंक यू सो मच. गाइस क्विकली, मेरी बैटरी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर लाइट भी नहीं है. इट्स बीन अ ग्रेट ट्रिप, बहुत मज़ा आया. आदित्य को भी बहुत मज़ा आया ना. सच में. सो या, ये स्टोन है हमारे पीछे, और आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और यू कैन जस्ट पोस्ट अ कमेंट, आई विल रिप्लाई ASAP. ओके. सो गाइस, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. ओके, तो थोड़ी सी बैटरी बची है तो हमने कुकिंग स्टार्ट कर दी है. आदित्य पूरी तैयारी के साथ आया है. टमाटर प्याज सब कुछ लेके आया है. सुबह कोई करे यकीन